भवरकुआ थाना क्षेत्र स्थित विद्यानगर कॉलोनी में एक सोने मकान पर चोरों ने धावा बोला। घटना के समय घर के ऑनर डॉक्टर पुनीता गुप्ता अपने परिवार के साथ इंदौर से बाहर गए हुए थे। मौका पाकर घर में घुसे चोरों ने सबसे पहले मेन गेट का ताला तोड़ा और घर में अंदर घुसे। कमरे में रखे अलमारियों के लॉक को तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवर सहित लाखों रुपए नकदी चुरा ले गए। घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन शातिर चोर उस सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी निकालकर अपने साथ ले गए। जब परिवार घर लौटा तो उन्हें घटना की जानकारी लगी। तुरंत उन्होंने भवरकुआ पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने मामले की पड़ताल की। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। ये भी अलमारी में ना एक उसके सामने भी है, अंदर से ले लो थोड़ा सा। अच्छा काय कैमरे लगे थे चोरन वो भी लगे, उसने सोचा कि अपने तो हमको शादी में गए थे हम उनके घर से। 7 फरवरी को हमारे मेरे ससुराल में धार में शादी थी, तो वहाँ पे परिवार के साथ हम लोग गए हुए थे और रात को मेरे फादर डेली सोने के लिए यहाँ आया करते थे। अब 9 तारीख को शादी का आयोजन पूरा हुआ, 10 को लौटने का था, तो फादर से फ़ोन पे संपर्क हुआ तो मैंने उनको कहा कि हम लोग आज आने वाले हैं तो आज सोने के लिए आप ना भी आए तो चलेगा, लेकिन वो रिश्तेदारी में एक दिन और एक्सटेंड हो गया। तो हम लोग 10 के बजाय 11 को जब लौटे, रात को 8 बजे हमने हमारी गाड़ी पार्किंग में लगाई और जैसे ही हम अंदर घुसे तो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सारे गेट खुले हुए थे, ताले टूटे हुए थे, अलमारियों के लॉक खुले हुए थे। और जब प्राइमरी हमने चीज़ें देखी तो उसमें से करीब 3.5 लाख की जो नकदी है वो हमको नहीं मिली, और जो गोल्ड है सोने के सामान है वो करीब 55-60 तोला। लगभग कितना केस? 3.5 लाख लगभग कैश था उसमें, और कई सारे मेरे मदर के पुराने। क्या है पूरा मामला बताएं? डॉक्टर पुनीत अपने विद्यानगर से 7 तारीख को शादी में गए थे बाहर, इसके बाद कल आए तो उन्होंने देखा दरवाजे के ताले वगैरह टूटे थे एवं अंदर सामान अस्त व्यस्त था। अज्ञात चोर ताला तोड़ के घर में घुसकर और उनके सोने चांदी के जेवरात एवं 3.5 लाख रुपए चोरी करके ले गए। सर सीसीटीवी फुटेज पे क्या सामने आया? सीसीटीवी फुटेज अभी देख रहे हैं और जैसा होगा सर। आपका नाम?